नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूँ रश्क गौरी। दंतेवाड़ा की बेला जिला पहाड़ी के एक हिस्से नंदराज पहाड़ को बचाने के लिए शुरू हुआ आदिवासियों का आंदोलन अब तेज होता जा रहा है। बीते कई दिनों से जारी इस आंदोलन पर सियासत भी अब जमकर होने लगी है। मौजूदा भूपेश सरकार ने ताजा हालात पर पिछली सरकार पर ही ठीकरा फोड़ा है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भूपेश सरकार की तमाम नीतियों पर ही सवाल उठाए हैं। दरअसल यह पूरा विवाद नंदराज पहाड़ के एक हिस्से यानी डिपॉजिट नंबर 13 में लोह आयसक की माइनिंग से जुड़ा हुआ है, जिसका काम अजानी कंपनी को मिला है। एनएमडीसी और राज्य सरकार की कंपनी एसीएल ने माइनिंग का ठेका अजानी को दिया हुआ है, तो वहीं छत्तीसगढ़ के इस बड़े सियासी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे हमारी खास पेशकश बेला जिला पर आमने सामने में। माओवादियों के गढ़ कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बेला जिला की पहाड़ियों का माहौल बीते कुछ दिनों से बेहद गर्माया हुआ है। हजारों की संख्या में आदिवासी अपने देवताओं के घर कहे जाने वाले बेला जिला के एक हिस्से नंदराज पहाड़ को बचाने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं, तो वहीं आदिवासियों के आंदोलन के बीच कांग्रेस सरकार ने पिछली सरकार पर निशाना साधा। तो जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि भाजपा सरकार ने माइनिंग की कोई अनुमति नहीं दी, एनएमजीसी और राज्य सरकार की ज्वाइंट मेजर कंपनी ने अनुमति दी है। रमन सिंह ने कहा है कि अप्रैल में ही मौजूदा सरकार ने माइनिंग की अनुमति दी, अब विरोध और नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। इधर पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने भी इस पूरे मामले में सियासी फायदा ढूंढते हुए आंदोलनरत आदिवासियों के बीच पहुंचकर अपना समर्थन दिया। उन्होंने कांग्रेस और पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि रमन सरकार ने उनके पूजनीय पहाड़ को अजानी को देने की मंशा जाहिर की, लेकिन भूपेश सरकार ने अपने दोस्त अजानी को खुदाई की अनुमति तक दे डाली। वन मंत्री ने चुपचाप नंदराज पहाड़ पर 25,000 पेड़ों को कटवा दिया है। आदिवासियों की सैकड़ों साल से पूजी जा रही देवी को जमींदोज करने की साजिश को अंजाम दिया गया। इधर अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने ऐसी कोई अनुमति नहीं दी है, तो चलिए कौन क्या कुछ कह रहा है, आइए सुनते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न है जिसका जवाब भूपेश को देना चाहिए, जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए, पर्यावरण मंडल को देना चाहिए, जिसके अध्यक्ष अकबर को बनाया गया, क्यों बनाया, और अप्रैल में इसी माइंस का यदि उनको आपत्ति थी, इतना विरोध था, इतनी बड़ी बड़ी बात करी थी, तो कंसेंट टू ऑपरेट रोक देते। यदि ही आपने कंसेंट टू ऑपरेट, यदि ऑपरेट करने के लिए सहमति पर्यावरण मंडल देता है, जिसके अध्यक्ष अकबर यानी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो आपने तो सहमति दे दी, ऑपरेट करने के लिए सहमति अप्रैल में दे दिया, अब विरोध करने का नाटक करने की जरूरत नहीं है कि अब ये काम रोका जाएगा। ये देखो 25,000 पेड़ या तो काट दिए हैं या जला दिए हैं, अनुमति 1,000 की है बताते हैं। माता पितौर मेटा और हमारे आराध्य नंदी राज को अब नष्ट नहीं होने देंगे। ये जंगल देखिए कितना घना जंगल हमारे इष्ट देवता की पूजा करने के लिए लगा हुआ है, उनको घेरा हुआ है। हम इस काम को नहीं होने देंगे। देखिए, पेड़ काटने की अनुमति मैंने कभी नहीं दी। पेड़ काटने की अनुमति 11 जनवरी 2018 की है और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद की अनुमति नहीं है। मैंने कभी कोई कंसेंट नहीं दिया, ना मेरे पास इस प्रकार की कोई फाइल कभी प्रस्तुत की गई। तो इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली दौरे से लौटने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह से एक बड़ा सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि रमन सिंह पहले ये बताएं कि वो अजानी को एनजीओ देने के पक्ष में हैं या नहीं। उन्होंने कहा है कि पिछली सरकार ने पहले जो भी फैसला किया है वर्तमान में अधिकारी उसी को पूरा कर रहे हैं, जब तक तो कोई नया फैसला न हो जाए। सीएम भूपेश बघेल ने यह भी कहा है कि अगर विभाग ने कुछ किया होगा तो पिछली सरकार के फैसले को आगे बढ़ाने का काम किया है, वही वर्तमान सरकार जो फैसला लेती है वो यथावत या बदलने के लिए लेती है। लेकिन सवाल ये है कि अजानी को एनजीओ देने के पक्ष में रमन सिंह है
या नहीं। पहली बात तो रमन सिंह जी को स्पष्ट करना चाहिए कि अदानी की एनडीओ देने के पक्ष में है कि नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो पिछली सरकार जो भी फैसला करती है, वर्तमान सरकार जो अधिकारी है उसको कैरी ऑन करते हैं जब तक कोई नया फैसला ना हो जाए। यदि विभाग ने कुछ किया है तो पिछले सरकार के फैसले को आगे बढ़ाने का काम किया है, और सरकार जब फैसला लेती है तो फिर वो निर्णय यथावत या बदलते रहते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि रमन सिंह जी ये बताए कि वो अडानी को एमडीओ देने के पक्ष में है कि नहीं है। जो मैं कह रहा था कि किसी ने कहा कि नंदराज पहाड़ को बचाने को लेकर आदिवासियों ने मुहिम छेड़ दी है, और छत्तीसगढ़ के इस बड़े मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपको बता दें, माकपा नेता धर्मराज महापात्रा थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, जिनसे हम चर्चा करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता गौतम बंदोपाध्याय हैं। बंदोपाध्याय जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। और वरिष्ठ पत्रकार रविकांत कौशिक जी हैं। रविकांत जी, बहुत स्वागत है। बंदोपाध्याय जी, सबसे पहले आपका रुख करूंगी कि सरकारें आती हैं जाती हैं, और जिस तरह से हमने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बाइट सुनी कि पुरानी सरकार के ही आदेशों को मौजूदा समय में कैरी ऑन किया जा रहा है, कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है जब तक कोई नया आदेश नहीं आ जाता। आंदोलन पहले से चल रहा है, जब विपक्ष में थी मौजूदा सरकार तब ही इसे आंदोलन किया जा रहा है। वाकई में क्या इतनी ज्यादा कठिनाई आती है कि जो पूर्ववर्ती सरकार है उसके ही फैसले को कैरी ऑन करेंगे और अधिकारी मौजूदा सरकार से कोई परमिशन नहीं लेंगे? देखिए, ये पूरी जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया पर लगातार सवाल होते रहा, ये प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार किसका है और इस अधिकार में ग्राम सभा की कितना अधिकार की क्षमता, निर्णय की लेने की क्षमता है। पिछले सरकार ने जो नंदीराज के मुद्दे को लेकर ग्राम सभा की जो सहमति बात के बात कहा है, आज गांव वाले ने कह रहा है हम तो दस्तक ही नहीं किए हैं। ये पूरे फर्जी ग्राम सभा के आधार पर जो जानकारी उपलब्ध हुआ है, उसी तरह का ही ये पूरे पूरी वन अधिकार कानून 2006 के उल्लंघन है। पिछले सरकार अगर लोगों की सामुदायिक वन अधिकार कानून की मान्यता दिया होता तो स्थानीय 200 गांव पे पारंपरिक जो अधिकार है उस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए शासन को काम करना चाहिए। जो वन अधिकार कानून जिसके लिए लागू लाया गया है, जो उनकी आत्मा है। दूसरी बात, अगर वन अधिकार कानून होता और उस पहाड़ों में जो क्या क्या अधिकार, क्या क्या पारंपरिक, क्या क्या जैव विविधता, क्या क्या कितने पेड़ है, इन सबों पे अगर कोई नतिबद्ध होता और लोगों के हक में होता तो लोग तय करता ये खोदा जाएगा कि नहीं खोदा जाएगा। सवाल है, पूरी निर्णय की प्रक्रिया शासन अपने पास ले लिया है और पूरे में कानून की जो ताकत है, कानून की जो आत्मा है उसको मार दिया है। बिल्कुल, वाकई में आत्मा को मार दिया है। जरूरी है कि बन जी जी आज जरूरी है कि ये जो मुद्दा आया है सामने, ये खनिज के हक किसका होगा और किन के, इनकी समीक्षा करने की जरूरी है। अदानी एनएमडीसी के पास क्यों नहीं, ये पहाड़ एनएमडीसी को दिया गया था, वहीं पर समीक्षा करना चाहिए। लोग अगर नहीं चाह रहे हैं, लोग क्या चाह रहे हैं, इस पर बात होना चाहिए। विकास लोगों के लिए है कि विकास किसी कंपनी के निधि का लाभ पहुंचाने के लिए है? एक विकास की पैमाना को, विकास के पैराडाइम को आरएमडब से सोचने की जरूरी है, जिसमें जीडीपी भी बढ़े और संस्कृति की भी रोकता हो, पर्यावरण का भी रोकता हो। सवाल आज पूरी कौन सरकार आ रहा है, कौन सरकार क्या निर्णय ले रहा है उस पर नहीं, सवाल है क्या उन लोगों का हित में है, ये किसके विकास, किसकी कीमत पर विकास होगा और राज्यों के विकास पैमाना क्या होगा। बिल्कुल,
रविकांत जी, जल जंगल जमीन की लड़ाई लंबे वक्त से आदिवासी लड़ते आ रहे हैं और हम लंबे वक्त से देखते आ रहे हैं, चर्चाएं होती हैं, लेकिन इन चर्चाओं का कुछ सार्थक हल नहीं निकल रहा है, निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देके ही आपसे सवाल करूंगी, क्योंकि आप लंबे वक्त से उस क्षेत्र में हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में, तो अनुभव भी आपको है कि कहीं कॉलोनी बनाई जाती है, कॉलोनाइजर अवैध बिल्डिंगों को खड़ा कर देते हैं, सरकार मिलीभगत से अधिकारियों से अनुमति ले लेते हैं और उसके बाद सरकार बदलती है और सरकार बदलती है वहां पर रहने के लिए उन मकानों को अलॉट भी कर दिया जाता है, फिर मामला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है, सरकार मौजूदा सरकार जो भी रहती है वो यही कहती है कि भाई इतने सारे लोगों के साथ दिक्कत होगी, इनको कहाँ पलायन करें, मौजूदा स्थिति में इनको रहने की अनुमति दे दीजिए। यही स्थिति हम यहाँ भी देख रहे हैं, कुछ नहीं बदलता, कुछ भी नहीं बदलता। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, संविधान में सारी व्यवस्थाएं हैं, यहाँ संविधान को दरकिनार करके जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसका ये कारण है। हमेशा यही होता है कि ग्राम सभा होनी चाहिए, ग्राम सभा में मंजूरी होनी चाहिए, और विशेषकर मैं तो हैरत इस बात पे हूँ कि उस क्षेत्र के मालिक असली रूप में ग्राम पंचायत है, ग्राम सभा है, और फिर उनके संरक्षक राज्यपाल हैं। इतने दिनों से ये सब कुछ चल रहा है, परंतु प्रदेश के राज्यपाल इस मामले पर क्यों से चुप बैठे हुए हैं? बिल्कुल, ये पूरी तरह नीचे से ऊपर ले तक के जो मनमानी शासन तंत्र रही है और नवाचारी जो पद्धति जो पिछली सरकार में ये चली थी उसका ये परिणाम है, परंतु जो गांव के लोग जो विरोध कर रहे हैं वो उनके पक्ष पर न्याय होना चाहिए। क्योंकि मैं अक्सर मैंने देखा है कि प्राइवेटाइजेशन के नाम पर प्राइवेट संस्थाओं के विकास को लेकर जमीन का जो अधिग्रहण होता है उसमें जमीन के मालिकों के साथ में अपेक्षित न्याय इस प्रदेश में, देश में और प्रदेश में कभी नहीं हुआ है, उसके कारण से ये बड़े परेशान होते हैं और इसीलिए ये विरोध की बात होती है। जब सरकार जल जंगल और जमीन का संरक्षण नहीं कर सकती तो उसको सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं है, और उसकी सबसे बड़ी जवाबदारी है कि जल जंगल जमीन की वो रक्षा करे। और जल जंगल जमीन के मामले पर अभी सिंचाई परियोजनाओं के लिए वन काटने की बात अगर आती है तो वन विभाग अनुमति नहीं देता है, और यही वन विभाग किसी उद्योग को खनिज देने के लिए वन काटने की अनुमति क्यों देता है? ऐसी परिस्थितियां इस प्रदेश में बहुत दुर्भाग्यजनक है, और इस पर वन मंत्री को भी चाहिए, मुख्यमंत्री को भी चाहिए कि इस पूरे प्रकरण की समीक्षा हो और जन अपेक्षा के अनुरूप इस मामले पे निर्णय हो। बिल्कुल, क्योंकि रविकांत जी जिस तरह से अगर हम बात करें कि ठीकरा फोड़ देने से कुछ नहीं होगा, पुरानी सरकार भाजपा की सरकार कह रही है कि रमन सिंह ने जिस तरह से कहा, हमने बाइट भी सुनी कि भूपेश सिंह सही फैसले नहीं ले रहे हैं, इन्हीं मुद्दों को लेकर वो सरकार में आए हैं, और भूपेश बघेल कह रहे हैं कि ये तो हम जो पुरानी सरकार के फैसले थे उसको ही कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है। आपको पहले से तमाम चीजों की जानकारी थी, क्या मौजूदा सरकार की भी इसमें गलती नहीं है कि वो हस्तक्षेप नहीं कर रही, या कैरी फॉरवर्ड करने से पहले उसको अधिकारियों को दिशा निर्देश देने चाहिए थे? आंदोलन तो लंबे वक्त से चल रहा है, मीडिया में जब चीजें आती हैं उसके बाद ही हो हल्ला होता है, तब सरकार जागती है। मैं तो साफ कहूंगा कि सरकार की जवाबदारी है जनता का रक्षा करना, जनता की संपत्ति का रक्षा करना। उस जंगल में रहने वाले लोग, वनवासी लोग, जल जंगल जमीन के असली संरक्षक हैं और असली रखवारे हैं। उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जब जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की चुनी हुई सरकार है, तो उसकी पहली प्राथमिकता उस सुदूरवर्ती जंगल में रहने वाले जंगल क्षेत्र के लोगों के साथ होनी चाहिए, और उनके साथ जो अधिकार है, जो पेशा कानून के अंतर्गत अधिकार है, जो अनुसूची 5 और 6 में जो अधिकार है, जिसके सीधे संरक्षक राज्यपाल हैं, उनको सबको चाहिए कि उस मामले पर ध्यान दें और उस पे अपेक्षित न्याय करें, अन्यथा ये चिंगारी अभी जो छोटी सी उड़ी है वो दिल्ली तक भी जा सकती है। बिल्कुल, वाकई में चिंगारी अभी जो छोटी है उसको यहीं पे अगर शांत कर दिया जाए तो बेहतर होगा। बंदोपाध्याय जी, क्योंकि लंबे वक्त से आप, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लंबे वक्त से आप इन तमाम मुद्दों को, मसलों को देखते, सुनते और समझते आ रहे हैं, क्या लगता है कि कोई हल नहीं है?
क्यों मौजूदा सरकार भी इस ओर ध्यान नहीं देती? अगर हम वाकई में अनुमति की बात करें तो केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार दोनों की 50-50% की पार्टनरशिप होती है। अगर राज्य सरकार चाहे तो वो इस तरह के खनन में के लिए तमाम चीजों के लिए जो भी प्राइवेटाइजेशन है इसके लिए वो बिल्कुल बखूबी मना कर सकती है, लेकिन सर मौजूदा सरकार की तरफ से भी कोई पहल नहीं की जा रही। क्या लगता है इसका खामियाजा कितना भुगतना पड़ सकता है? नहीं, ये पूरी ये जो मामला है ये ग्रामीणों ने अपना संवैधानिक अधिकार में जो अभिव्यक्ति का अधिकार है वो अपने अभिव्यक्ति के लिए वो नंदीराज पहाड़ के पास पहुंचा और ये पहाड़ों की जो मुद्दे हैं छत्तीसगढ़ में 27% जमीन ये पहाड़ में है, ये इसके 27% लैंड एरिया जो पहाड़ों में आता है इसके लिए सरकार को एक पहाड़ के ऊपर नीति बनाना चाहिए। ग्रामीणों ने आपने जो विरोध किया है 200 गांव के लोग, ये आस्था के साथ साथ ये लूट के खिलाफ भी विरोध है, ये अंधाधुंध लूट जो खनिजों के हो रहा है, ये अंधाधुंध वनों की कटाई, अंधाधुंध जो भ्रष्टाचारी, अंधाधुंध लोगों की आशा अपेक्षाएं की नजरअंदाज करना, इसके विरोध में है, इसके अभिव्यक्ति की बात है। आज जो जरूरी है, लोगों ने जिस तरह से जनतांत्रिक अभी विरोध किया है, जो अहिंसक विरोध से आया है उसको सम्मान करना और लोकतांत्रिक तरीके से उनका हल निकलना। आज हम ये उम्मीद करते हैं कि केवल पिछले सरकार की तमाम अनुबंधों की जरूर समीक्षा करना चाहिए, लेकिन वर्तमान में तत्काल लोगों की आशा और अपेक्षा को तत्काल हस्तक्षेप करके लोकतांत्रिक हल निकालना चाहिए। लोकतांत्रिक तरीका रहेगा जिसके चलते वो हल निकल सकता है ताकि सरकार का भी घाटा ना हो, जो वहाँ पे जो आदिवासी रह रहे जल जंगल की जमीन के लिए जो लंबे वक्त से संघर्ष कर रहे हैं उनकी समस्या का भी निराकरण हो, जल जंगल जमीन को भी नुकसान ना पहुंचे, स्थानीय ग्रामीणों को भी रोजगार मिले, वो ऐसा कौन सा लोकतांत्रिक तरीका हो सकता है? वहाँ सबसे जो जरूरी है शासन की जनता की जो अपेक्षा है उसकी सम्मान करते हुए संवाद करना। संवाद अगर करेंगे नहीं तो लोकतंत्र की कोई मतलब नहीं है। पिछली सरकार कहीं पर लोकतांत्रिक संवाद में इस तरह के सम्मान नहीं किया। हम ये उम्मीद करते हैं ये सरकार तत्काल संवाद स्थापित करने की प्रयास करेगा। एक अगर जरूरी है तो सर्वदलीय बैठक भी बुलाया जा सकता है ताकि हल निकाले। और तीसरी बात जो है जो तमाम जो 200 गांव के जो मुखिया है उसके साथ बैठा जा सकता है और पूरा ग्राम सभा की जो सहमति का है उस पर बात किया जा सकता है। नियमगिरी राजा उड़ीसा में नियमगिरी पर ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के राय था जिस पर कार्रवाई किया गया है और लोगों के हाथ में वो नियमगिरी नियम राजा के जो गिरी है वो दे दिया गया है। ये नंदीराज ठीक उसी तरह का ही आस्था की केंद्र के साथ साथ वो पर्यावरण संतुलित के भी केंद्र है और लोगों की आस्था और विकास की एक पहचान भी है। बिल्कुल वाकई में। रविकांत जी, जानकार कहते हैं कि इस खदान के लिए अनुमति लेने की जो प्रक्रिया अपनाई गई थी वो पूरी तरह से फर्जी थी। बस्तर पांचवी अनुसूची का क्षेत्र है और पांचवी अनुसूची के क्षेत्र में पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया एक्ट लागू होता है, इसको भी साइड में रख दिया गया। नहीं, ये तो पिछले बार कई मामलों पर ऐसा हुआ, ये एक अकेला मामला नहीं है। ये बस्तर से सरगुजा तक और कई आदिवासी उप परियोजना क्षेत्रों में भी ये समस्या इसी प्रकार से आई, इसीलिए ये बातें उठी और इसीलिए ये निरंतर उठ रही है, है ना। सरकार को चाहिए कि वो जनहित में अपेक्षित निर्णय करे। वाकई में, और जिस तरह से आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि ग्राम सभा अगर हम बात करें तो इस पूरे इलाके में ग्राम सभा को सर्वोच्च अधिकार दिए गए, लेकिन इसमें भी फर्जी ग्राम सभा के आधार पर ही सारी अनुमति दे दी गई। जांच की बात की जा रही है, पेड़ों की कटाई हो रही है, आदिवासी जल जंगल जमीन को लेके सड़कों पर उतर आया है और अपनी लड़ाई लड़ रहा है।
क्या लगता है समस्या का निराकरण हो पाएगा? अब हम तो क्या बताएं, पिछली कि पिछली सरकार में कहीं आपने सुना कि बांध बेच दी सरकार ने? सरकार बांध बेच देती है और कुछ नहीं होता, कोई जवाबदेही तय नहीं होती जी। क्यों भाई जी बंदोपाध्याय का राज है, कानून का राज है कि नहीं? जी 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 बंदोपाध्याय जो है कि अगर हम इस पूरे प्रकरण की बात करते हैं तो 2011 में प्रस्ताव भेजा गया था केंद्र सरकार की फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी को भेजा गया था। उसके बाद डिपॉजिट में 350 मिलियन टन लोह आयसक का भंडार होने का अनुमान था, एडवाइजरी ने अनुमति नहीं दी। उसके बाद सत्ता परिवर्तन होता है, 2018 में अनुमति दे दी जाती है, लेकिन जिस तरह से अनुमति दी गई है तमाम नियम कायदों को ताक पर रख दिया गया है। आपसे मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूं कि कोई हल है? हम तो है ही, एक बार अभी अभी कल हिरोली ग्राम पंचायत के सरपंच ने कहा कि हम दस्तखत करते ही नहीं है। दस्तखत कहाँ से आया? जितने लोगों को दस्तखत दिखाया गया है ग्राम सभा की सहमति में, कुछ लोग तो ऑलरेडी मर चुके हैं। तो सवाल यह है, ये फर्जी ग्राम सभा की जो खेल और जो खनिज संसाधनों के जो लूट की जो मामला है, ये केवल अडानी और सरकार की साठगांठ केवल बस्तर में नहीं दिख रहा है, ये अंबिकापुर में भी दिख रहा है। बिल्कुल, सवाल यह है उपाध्याय जी, आपको रोकना चाहूंगी। लूट बिल्कुल आई, विकास नहीं होगा। आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि डिबेट को माकपा नेता धर्मराज महापात्रा जी ने भी ज्वाइन कर लिया है। धर्मराज पात्रा महापात्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि आपको पता है कि बेलाडीला की खदानों पर जिस तरह से भूपेश सरकार और पूर्ववर्ती सरकार, मतलब पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री आमने सामने, क्या लगता है कब तक जंगलों का, जल जंगल जमीन की लड़ाई आदिवासी लड़ता रहेगा और आदिवासियों का शोषण होता रहेगा? कोई स्थायी हल निकलेगा? देखिए, इसका सबसे बड़ा बात है, इसका स्थायी हल तभी निकल सकता है जब आदिवासियों की आवाज का अतिक्रमण नहीं होगा, आदिवासियों की आवाज का दमन नहीं होगा और आदिवासियों के जल इन पर उनका जो नैसर्गिक अधिकार है वो सुनिश्चित किया जाएगा। ये सबसे दुर्भाग्य की बात है, छत्तीसगढ़ में पिछले 15 सालों में भाजपा सरकार के राज में छत्तीसगढ़ के जमीन के अंदर जो लौह अयस्क है, हमारी जो प्राकृतिक संपदा है, उसके लूट का खुला खेल कल चलता रहा है। और बेलाडीला में ये जिस तरीके से अदानी के साथ ये समझौता हुआ है, ये उसका प्रमाण है। और इसीलिए हम ये मांग करते हैं कि अगर बस्तर की आदिवासी जनता उनकी सहमति के बिना किसी भी किस्म से वहाँ कोई भी अगर जमीन का अधिग्रहण होता है तो वो MOU उस तरीके का कोई भी समझौता वो रद्द किया जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन धर्मराज, और केवल यही नहीं, हमने इसके पहले भी ये सवाल उठाया, 50-50% की पार्टनरशिप होती है राज्य सरकार और केंद्र सरकार की। अगर राज्य सरकार चाहे तो वो तमाम चीजों को करने से मना कर सकती है कि नहीं हम अनुमति नहीं दे रहे हैं। फिर मौजूदा राज्य सरकार ने क्यों पहल नहीं की? क्यों ये कह दिया कि हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं जो पुरानी सरकार का जो आदेश है वही अधिकारी, क्योंकि कोई नया आदेश नहीं है इसलिए पुराने आदेश को ही कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है। आपको पता है कि स्थिति विकट हो सकती है, उसके बाद भी आपने स्थिति पर काबू पाने के लिए कोई पहल नहीं की जा रही है, इंतजार फिर किस चीज का किया जाता है? नहीं, हम तो स्पष्ट रूप से मौजूदा सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि अगर पिछली सरकार ने अगर केंद्र सरकार के साथ संयुक्त रूप से ऐसा कोई उपक्रम बनाया है जो आदिवासियों के हितों के खिलाफ है, और जो आदिवासी छत्तीसगढ़ के अंदर बस्तर के इलाके में पेशा कानून लागू है, पेशा कानून में ये प्रावधान है, बिना ग्राम सभा की अनुमति के, आदिवासियों की अनुमति के ऐसा कोई भी अधिग्रहण जो है वो अवैधानिक है। ये तो बड़े पैमाने पर सो कॉल PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश में जो हमारी संपदा है उसको लूटने का जो खुला खेल चल रहा है उसका एक नमूना है। और छत्तीसगढ़ की मौजूदा सरकार जो है वो उसकी ये जिम्मेदारी है, वो पिछली सरकार के द्वारा इस लिए गए इस फैसले को पलट सकती है और उनको पलटना चाहिए। आदिवासी जनता की जो मांग है
उस मांग को सुना जाना चाहिए। बिल्कुल रविकांत जी, आपका कमेंट चाहूंगी। निश्चित रूप से मैं औद्योगिक विकास के पक्ष में नहीं हूं, ऐसा नहीं है। औद्योगिक विकास हो परंतु क्षेत्र के लोगों के साथ में अन्याय ना हो। और वहां के देखिए, आप अभी आप ये देख लीजिए पूरे देश में पर्यावरण को लेकर के किस प्रकार की चिंता है, जो तापमान जो बढ़ा है उसका कारण क्या है, और जो जल संकट जो आ रहा है उसका कारण क्या है। तो जब आप कल के लिए कुछ बचा के रखोगे या पूरे के पूरे जल जंगल जमीन और पहाड़ बेचे चलकर चले जाओगे, क्या कर रहे हैं आप? बिल्कुल सोचना पड़ेगा, क्योंकि सोच जा रहे हैं। परिणाम इस हमारी भावी पीढ़ी को भी भुगतना पड़ेगा। वाकई तो इसीलिए जरूरी है कि सरकार जो जल जंगल जमीन संरक्षण उसका दायित्व है, उस मुद्दे पर भी ईमानदारी से पहल करे, और जिन सरकारों ने या जिन भी लोगों ने गलत किया है उसके खिलाफ जवाबदेही भी तय हो। बिल्कुल वाकई में सही कह रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं हो कि आने वाली पीढ़ी को हम यही बताएं कि वंस अपॉन अ टाइम अ बेला डीला, ये नौबत ना आ जाए। बंदोपाध्याय जी, आपका कंक्लूडिंग रिमार्क चाहूंगी। देखिए एफआरए और पेशा, ये दोनों कानून को अगर ठीक ढंग से लागू करे और ये पहाड़ जो है लोगों के हाथ में सौंप देना चाहिए। अगर एफआरए 2006 आप लागू करते हैं तो लगेगा ये लोगों की नंदीराज पहाड़ सांस्कृतिक अधिकारों की क्षेत्र में आता है और लोगों की पारंपरिक अधिकार का क्षेत्र में है, इसलिए कि ये पहाड़ तो दे ही देना चाहिए और शासन को पहाड़ के ऊपर एक नीति निकालना चाहिए, बनाना चाहिए जन सहयोग के साथ, और बस्तर के लोगों की जो जनाकांक्षा है उस जनाकांक्षा को जनतांत्रिक अधिकार को सम्मान करते हुए संवैधानिक अधिकार को जिम्मेदारी लेते हुए लोगों को सौंप देना चाहिए। बिल्कुल महापात्र जी, आपका रिमार्क चाहूंगी। देखिए सबसे बड़ी बात है ये विकास नहीं, ये तथाकथित विकास का ये मॉडल विकास के नाम पर विनाश का रास्ता है। और ये जो नारा दिया जाता है दिल्ली में आई हुई दोबारा चुन के आई हुई सरकार सबका साथ सबका विकास, ये ऐसा हकीकत में ये नहीं है। ये अदानी अंबानी का साथ और उन्हीं का विकास के जो रास्ते पर चलने की कोशिश हो रही है, ये उसका नया नमूना है। पूरे छत्तीसगढ़ में केवल बस्तर नहीं, सरगुजा नहीं, अब नगरनार उसका उदाहरण है। नगरनार में आदिवासी को जमीन ली गई सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाना लगाने के लिए, और अभी खुद नई सरकार के जो नीति आयोग के सुझाव देने वाले लोग हैं उन्होंने कहा हर एक दिन जो है नए पब्लिक सेक्टर का जो है निजीकरण होना चाहिए, वो नगरनार के भी नीलामी कर रहे हैं। इसीलिए ये विकास नहीं, विकास के रास्ते पर विनाश है, और ये हमारी भविष्य को भी खत्म करने की कोशिश है। आदिवासियों के जो उनकी जो मूल संस्कृति है उनका बुनियादी जो अधिकार है उस पर हमला करने की कोशिश है, अतिक्रमण है, और इसीलिए हम स्पष्ट रूप से यह मांग कर रहे हैं आदिवासियों की आवाज सुनी जानी चाहिए। बिल्कुल बहुत शुक्रिया महापात्र जी चर्चा में शामिल होने के लिए। रविकांत जी आपका भी बहुत शुक्रिया, बंदोपाध्याय जी आपका भी बहुत शुक्रिया। और इस पूरे मसले पर सभी हमारे गेस्ट ने पैनल ने अपने अपने विचार रखे हैं। जरूरत यहाँ पर यह है कि राजनीति करने की बजाय कुछ हल निकाला जाए, सोचना चाहिए कि आखिर हम आने वाली भावी पीढ़ी को क्या देकर जा रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं हो कि किससे कहानियों में ही जल जंगल जमीन और पहाड़ रह जाएं और जब वो मौजूदा परिस्थिति में जिए तब उनके पास कुछ ना हो। बहरहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं तो बने रहिएगा स्वराज एक्सप्रेस के साथ।